हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा, बट मैं ट्राई करूंगा कि डेली आपके साथ कोई ना कोई वीडियो लेता लेके आता रहूँ। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुक्खू गवर्नमेंट जो है, सीएम सुक्खू ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इम्प्लॉयज को ओपीएस का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। दैट मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है, यहाँ पे इम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अब देखो, यहाँ पे जब हिमाचल में इलेक्शंस हुए 2022 में, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, ओपीएस को रिस्टोर करेंगे। इवन इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे भी बोला, बहुत से लीडर्स ने बोला। फॉर एग्जाम्पल, अब विक्रमादित्य सिंह ने भी बोला कि ओपीएस जो है पहले ही कैबिनेट में, फर्स्ट कैबिनेट में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इवन यहाँ पे प्रियंका गांधी जब आई थी, उन्होंने भी बात करी। तो हुआ भी सेम, जैसे ही हिमाचल प्रदेश की ये कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 13 जैन को, जब इन्होंने रिस्टोर कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश में। अब जैसे ही रिस्टोर किया गया ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में, जिससे अब कितने एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा, अराउंड 1.36 लाख एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो 1.36 लाख एम्प्लॉयज है, ये एनपीएस के अंडर। अब इनके पास एक ऑप्शन होगा कि ये स्विच कर सकते हैं किस पे, ओपीएस पे, जो पहले एनपीएस में थे, ठीक है? तो ये इनको एक बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे हिमाचल में रिस्टोर हुआ, रिस्टोर की गई एनपीएस, सॉरी ओपीएस, तो हिमाचल जो है पूरा फोर्थ स्टेट बन चुका है जिसने मतलब कि ओपीएस को रिस्टोर किया। तो हिमाचल के जो सॉरी जो इंडिया के चार स्टेट्स हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, चार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ओपीएस को रिस्टोर किया गया है। इनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश जो है, तीनों जो है ये है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है रन कर रही है स्टेट्स को। इवन पंजाब जो है यहाँ पे रन कर रही है आप गवर्नमेंट, इसको रन कर रही है आप गवर्नमेंट, राइट? तो अब इसके बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले बात करेंगे पेंशन की। बट इस पेंशन एंड बाय इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्सन जो होता है ना, वो कुछ टाइम तक ही प्रोडक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। एक एज के बाद जो है वो मतलब कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो पेंशन क्या होता है, काइंड ऑफ मंथली एश्योर्ड मंथली इनकम बोलूंगा। अगर ओल्ड पेंशन में बात करेंगे तो एश्योर्ड मंथली इनकम बोलूंगा, जो एक पर्सन को, एक इंप्लॉय को मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर चुके हो, उसके लिए आपको एक इनकम मिलेगी, एश्योर्ड मंथली इनकम होगी, राइट? तो अब यहां पे देखो इसकी नीड क्यों है। एक तो दैट मीन जो हमने पहले बात करी कि जो पर्सन जो है, जो यूथ में प्रोडक्टिव होता है, वो ओल्ड एज में उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। सेकेंड, यहाँ पे जो ज्वाइंट फैमिली से किसकी तरफ स्विच हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ स्विच हो रहे हैं, तो एक वो भी आ जाता है। दैट मीन्स कि हर पर्सन को अपने पर ही डिपेंड होना पड़ता है। राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, दैट मीन्स कि आपको पता है डे बाय डे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इंक्रीज लॉन्गेविटी, दैट मीन्स कि हर किसी का लाइफ स्पैन जो है पहले के मुकाबले अब बढ़ता जा रहा है। लाइफ स्पैन क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। एंड लास्ट यहाँ पे बोला कि अश्योर्ड मंथली इनकम अश्योर्स डिग्निफाइड लाइफ इन ओल्ड एज, की पर्सन जो है अपनी ओल्ड एज में जो है एक अच्छी लाइफ जो है, एक अच्छी जिंदगी जो है जी सके, उसके लिए जो है एक मंथली इनकम अश्योर होनी चाहिए, राइट? तो अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस जो रहेगा ओपीएस वर्सेज एनपीएस में। अब देखो, ओपीएस में क्या होता है कि जो भी मतलब इंप्लॉय जो रिटायर हो रहा है, जो उसको लास्ट सैलरी रिसीव हुई थी, उसका 50% जो है उसको पेंशन मिलेगी। मतलब अगर किसी इंप्लॉय की 50,000 लास्ट सैलरी थी, तो उसको जो इंप्लॉय को जो सैलरी मिलेगी अंडर, सॉरी, इनकम और पेंशन जो मिलेगी अंडर ओपीएस, वो 25,000 मिलेगी, राइट? तो ये है। बट एनपीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। एनपीएस में क्या है, दैट मीन्स ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक तो कंट्रीब्यूट करेगा इंप्लॉई और दूसरा कंट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट। अब यहां पे बोला कि पहले क्या था, मतलब कि यहां पे क्या था, पहले 10% जो है कंट्रीब्यूट किया जाता था
अपनी मतलब इनकम का, दैट मींस कि एनुअल इनकम जो उसकी बेसिक सैलरी है प्लस डीरेंस अलाउंसेस का 10%, मिनिमम 10% जो है वो क्या करेगा, उसको एक एम्प्लॉयमेंट मतलब एनपीएस नंबर मिलेगा जिसके अंडर जो है उसको कंट्रीब्यूट करना है वो अमाउंट, और उसी अमाउंट का इक्विवेलेंट मतलब 10% के इक्विवेलेंट जो अमाउंट होगा उसी के इक्विवेलेंट जो है अमाउंट जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट। अब दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय का भी गवर्नमेंट का भी। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जितना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा बाय द एम्प्लॉय उतना ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, और जितना लॉन्ग टाइम तक क्या मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट जो है इसके अंदर मिलेगा, मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूट आपको करना ही पड़ेगा। बट ओपीएस में क्या है कि जो आपको लास्ट सैलरी मिल रही है इसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जो सैलरी आपको लास्ट में मिली ठीक है आपको क्या करना है, मतलब आप चाहे कंट्रीब्यूट करो चाहे ना करो ठीक है, जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसका जो है आपको 50% मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बात बोलेगी। अब देखो, अब ये जो मैं 10% की बात कर रहा हूँ ना, इसमें चेंज किया गया 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा। अब बोला कि इम्प्लॉय जो करेगा वो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेगा, वहीं पे सरकार जो अब कंट्रीब्यूट करेगी उसके इम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में 14% कंट्रीब्यूशन होगा, किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है फिर एनपीएस के अंडर, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर जो भी इसके अंडर रजिस्टर होता है उसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो ये बात होती है। अब देखो, एक बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर क्या है कि यहाँ पे इसके अंडर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हम जाएंगे किस पे। हाँ, अब देखो हमने ओपीएस से एनपीएस की तरफ क्यों स्विच किया, ओपीएस से एनपीएस की तरफ स्विच करने का क्या पर्पस था। देखो, हमारे एक बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो बात करते थे एक्चुअल में लोगों के हित की, जो गरीब लोगों के हित की बात करते थे, किसी बड़े लोगों को फेवर नहीं करते थे, वो छोटे लोगों की बात करते थे, जो मतलब पुअर क्लास होती थी, मिडियोकर क्लास होती थी, उनकी बात करते थे। तो ये कंसर्न रहते थे कि यार देखो इनके लिए मेरे को कुछ करना है, कि हर किसी को एक कहीं ना मेरे को एक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। वो बोलते थे कि हाँ, मैं अगर इम्प्लॉयमेंट, अब इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर किसी को इम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकूं, बट हाँ मैं अपने देश को इतना कैपेबल बनाऊंगा, लोगों को इतना कैपेबल बनाऊंगा, या उनको इतनी अश्योरिटी कर दूंगा कि जब बुढ़ापे में उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, उनको किसी का सहारे की जरूरत ना हो, वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, वो ये बात करते थे। तो उन्हीं के जब वो सीएम सॉरी पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके अंडर जो मिनिस्ट्री थी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मतलब एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का मतलब उस प्रोजेक्ट में एक कमेटी बनाई गई, उस प्रोजेक्ट का नाम था ओसिस प्रोजेक्ट, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे एसए डावे, जो फॉर्मर चेयरमैन थे सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब इस ये कमेटी जब बनी तो इनको बोला गया कि आप देखो कि कैसे हम जो है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था कि हमें क्या करना है, टारगेट करना है उस सेक्टर को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दैट मींस उनके वर्कर्स को हमने टारगेट करना है कि कैसे उनको हम इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब ये जो इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, दैट मींस कि इसकी सीधी सी बात है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मेन फोकस किया गया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, कि उनको हमने क्या करना है, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो अब इस कमिटी ने क्या किया, 1991 के सेंसस उठाए, जिसमें इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो है 31.4 करोड़, जिसमें से बोला सिर्फ 3.4 करोड़ पीपल ही ऐसे हैं, और वीकेंड से अगर परसेंटेज में बात करें तो लेस देन 11% ऐसे पीपल हैं जिनके पास, और ऐसे इंप्लॉयज हैं जिनके पास एक्चुअल में पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी है, दैट मींस कि उनको जो है क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो अल्टीमेटली तुम देख लो, 31.4 करोड़ से सिर्फ 3.4 करोड़ ऐसे पीपल हैं जिनके पास क्या थी, सिर्फ पेंशन की स्कीम का बेनिफिट था, बाकी सब किसी के पास भी पेंशन बेनिफिट नहीं था, राइट। तो यहां पे अब इन्होंने क्या किया इस प्रोजेक्ट में, फिर कमिटी ने यहां पे क्या किया, कुछ
कुछ रिकमेंडेशन थी, जिसमें फर्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने क्या बोली कि हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि हमें क्या करना है, हर इसमें टारगेट करना है कि हर किसी को एक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो अल्टीमेटली एनपीएस के अंडर 18 ईयर से अब कोई भी रजिस्टर करवा सकता है। तो अब इन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअल चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकता है 3 टाइप्स ऑफ फंड में। एक होगा सेव, सेकंड होगा बैलेंस्ड, एंड थर्ड आपके पास ग्रोथ। अब सेव में इसमें 10% इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको इक्विटी में, इक्विटी मीन शेयर में। बैलेंस्ड में आपको 30% इक्विटी मिलेगी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 30% इक्विटी तक, और ग्रोथ में आपको 50% तक जो है इक्विटी में क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने और साथ में क्या बोला कि हर एक इंडिविजुअल को अब क्या दिया जाएगा, एक यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा, और उस अकाउंट नंबर में उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट 500 रुपीज पर ईयर। ठीक है, और यहां से क्या बोला कि इसके बाद इसका बेनिफिट आपको मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट में, जब आप यहाँ पे हर साल जो है 500 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फिर पोस्ट रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा जिसमें एटलीस्ट 2 लाख फ्रॉम द रिटायरमेंट अकाउंट जो है आप यूज कर सकते हो टू परचेज एन एन्युटी। एन्युटी क्या होता है, दैट मींस कि एक आप क्या करोगे, अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे किसमें, जिससे जो है आप मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हो, दैट मींस कि जिससे जो है आपको कोई मंथली इनकम आती रहे। दैट मींस कि अगर मैं बात करें तो इंश्योरेंस आप लोगे, और इंश्योरेंस वाले क्या करते रहेंगे, आपको जो है मंथली इनकम चाहे 6 मंथ में चाहे एनुअली जो है वो कोई ना कोई इनकम जो है आपको पे करते रहेंगे, राइट। तो ये बात बोली गई। इसके बाद एक और ग्रुप आएगा यहाँ पे, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोला गया, जिसके चेयरमैन थे BK भट्टाचार्य। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ओसीस रिपोर्ट के बाद अब ये मतलब 1.5 ईयर के बाद अब ये ग्रुप आया, जिन्होंने फिर फर्दर क्या किया, अपनी तरफ से सजेशंस दी, और बट इस रिपोर्ट की जो सबमिशन हुई थी, बट इसको दैट मींस कि ज्यादा फेवर नहीं मिला था गवर्नमेंट का, क्योंकि 2002 के बाद जो है वो गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी थी, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा कि यहाँ पे देखो एनपीएस में मैंने पहले ही बात करी, इस पॉइंट को जरा नोट करना कि जितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन की जाएगी बाय द एम्प्लॉय और बाय द इंडिविजुअल, द ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट अचीव्ड, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, द लॉन्गर द टर्म ओवर विच द फंड अकमुलेट्स एंड द लोअर द चार्जेस डिडक्टेड, और उतने ही कम चार्जेस जो है वो डिडक्ट होंगे, एंड उतने ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको, बेनिफिट मिलेगा जब आपको पेंशन यहां से मिलेगी, राइट। तो ये बात है। तो यहाँ पे देखिए, रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर द एनपीएस। तो ये बात भी याद रखिएगा। बट ओपीएस के अंडर सिर्फ किसको बेनिफिट मिलेगा, ओनली ऑन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक यहाँ पे आ जाता है, अगर गवर्नमेंट, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर गवर्नमेंट ओपीएस दे रही है भाई, तो गवर्नमेंट को बोलो अगर आप ओपीएस दे रहे हो तो भाई आप उतनी गवर्नमेंट जॉब्स भी दो, तो आप उतनी भाई गवर्नमेंट जॉब्स भी दो। आपका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को, अगर वहां पे अगर मैं बात करूं, टोटल पॉपुलेशन है 75 लाख स्टेट की, और वहां पे अगर बात करें इंप्लॉय है सिर्फ आपके पास 10 लाख, तो भाई बाकी के बाकी मेरे को बताओ 65 लाख का क्या होगा, उनको कहां से इनकम सिक्योरिटी मिलेगी। तो गवर्नमेंट को तो ये भी देखना चाहिए, ओपीएस से सिर्फ बेनिफिट होगा उन्हीं को जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब वालों का कुछ नहीं होगा, तो ये बात भी सोचिएगा। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हु इज द रेगुलेटर फॉर एनपीएस, तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो है सॉरी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द PFRDA एक्ट 2030। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू।